मध्य प्रदेश के चंबल इलाके में भारी बारिश से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। विधायक और प्रशासनिक अधिकारी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे कर रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन ने हेलीकॉप्टर भेजा है, जिससे दो बार में होगा एरियल सर्वे। पहली बार सुमावली दिमनी अम्बाह विधायक के साथ आयुक्त आईजी कलेक्टर रेस्क्यू के लिए सेना और एनडीआरएफ की अतिरिक्त टीमें आ रही हैं। अभी भी दर्जनों गांव में फंसे हैं लोग, जिसमें अम्बाह महुआ निवासी सूरज सकबार पुत्र भगवान सिंह सकबार उम्र 26 वर्ष की ग्राम से 1 किलोमीटर की दूरी पर चंबल का पानी भर जाने से वह अपनी भैंस लेकर निकला और पानी के भंवर में फंस गया। उसे ग्रामीणों ने निकाला और सिविल हॉस्पिटल अम्बाह लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूरज के 4 वर्ष पहले ही शादी हुई थी। अम्बाह विधायक कमलेश जाटव ने तुरंत अम्बाह हॉस्पिटल पहुंचकर मृतक के परिजनों को सहायता राशि 10,000 रुपये नकद दिए हैं। जोरा से अंकुश मंगल की रिपोर्ट। यहाँ पे हम अम्बा पोरसा और चंबल किनारे के सारे गांव और मुरैना के प्रभावित क्षेत्रों को देखेंगे। सेकंड राउंड में हम डिटेल में सुमावली मुरैना जौरा और जो है सबलगढ़ के एरिया का दौरा करेंगे। इससे हमें क्लियरली पता चल पाएगा कि कितना अफेक्टेड एरिया है, उस हिसाब से हम अपने स्ट्रैटेजी को प्लान कर पाएंगे और अन्य डिसीजन जो लेने हैं वो हम ले पाएंगे। अभी कितने गांव डूब में है, क्या स्थिति है, कल रेस्क्यू किया गया था? हाँ, 22 गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन कल चलाया गया है और 110 गांव में हाई अलर्ट चल रहा है, क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है कोटा बराज से छोड़ा गया है और अब तक के इतिहास में इतना सारा पानी पहली बार ही छोड़ा गया है और स्थिति से हम लोग निपट रहे हैं। हमारे साथ एनडीआरएफ एसडीआरएफ आर्मी की टीम्स हैं जो सतत संपर्क में हैं और लोगों को हम सुरक्षित निकाल भी रहे हैं और सुरक्षित एरिया तक। कुछ रेस्क्यू दल बढ़ाए गए हैं? हाँ बिल्कुल, रेस्क्यू दल बढ़ाए गए हैं, एडिशनल री एनफोर्समेंट बुलाए गए हैं। एनडीआरएफ की टीम आज आ रही है जो संभवतः 1 बजे तक हमारे पास पहुंच जाएंगी। एसडीआरएफ के संसाधन को भी हम लोगों ने बढ़ाया है, अतिरिक्त बोट्स हमारे पास पहुंच रहे हैं। कुछ ऐसे गांव जलस्तर का कुछ पता है? कुछ ऐसे गांव जलस्तर जो है लगातार बढ़ रहा है हमारे यहाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि राजस्थान में अब ये स्टेबलाइज होना शुरू हो गया है। 144.40 मीटर था सुबह 6 बजे से और लगातार अभी 9 बजे तक उसी मीटर। कुछ गांव ऐसे हैं जहां प्रशासन अभी तक नहीं पहुंचा? नहीं, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पे प्रशासन नहीं पहुंचा है। पानी से कट जरूर गए हैं, हम सतत संपर्क में हैं, पानी दवाइयां वगैरह हम पहुंचा रहे हैं और जो गांव कट गए हैं वो ऊंचाई में है। ऐसी कोई स्थिति नहीं है जहां पे जो है लोग डूब गए हैं और हम नहीं पहुंच पाए। कुछ ऐसे गांव भी चिन्हित किए गए हैं जहां से लोग नहीं निकल रहे हैं? नहीं निकल रहे हैं, वो अभी मैंने पुनः बताया कि वो सुरक्षित एरिया पे है, जरूरत पड़ेगा तो उनको निकालेंगे। अनावश्यक पैनिक फैला के भी कोई उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया है सुबह 6 बजे से पानी स्टेबलाइज होना शुरू हो गया है, जो मुरैना के लिए अच्छी बात है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश के पीथमपुर में